हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, आज हम लोग सहारा रिफंड पोर्टल से सहारा का पैसा लेने के लिए किस तरह से क्लेम कर सकते हैं वो आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर कर दीजिएगा। और मैंने जितने भी बॉन्ड है आपको आज इस वीडियो में सब बॉन्ड बताया जाएगा। मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि बहुत कोई डाउट होता है। फिलहाल 90% केस में देखो, एक मेरा ये बॉन्ड है, ये नहीं सॉरी, एक ये बॉन्ड है, मतलब ये खाता टाइप से मिल रहा है एक गो, ठीक है। ये खाता वाला को लिए बहुत डाउट हो रहा है आदमी को, क्या क्या डालना है। एक दो चीज़ खाता में नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ये है खाता वाला बताएंगे, और एक ये बॉन्ड है, और एक सिंपल सा ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इसमें आप लोग का टोटल चीज़ लिखा हुआ है, एक ही चीज़ में आप लोग को लिखा हुआ, ठीक है। आप लोग को टोटल बताया जाएगा क्या क्या डालना है खाता से, और इससे भी, ठीक है, आपको एक डिटेल से, ठीक है, और बहुत क्या क्या कोई गलती कर रहा है वो भी आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। इसके अलावा दो बॉन्ड, इसके अलावा और एक बॉन्ड आ रहा है, वो भी आपको हम बताएंगे लास्ट में, कि उसमें बहुत कोई को डाउट हो रहा है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखना तभी आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। सिंपली आप लोग को यहाँ पे आ जाना है, ये साइट पे, ठीक है, सहारा वाला। यहाँ पे यदि नहीं आना आता है तो आप लोग सिंपली गूगल पे लिख लेना, आप लोग को देखो मोर्स फंड, यहाँ पे ये साइट वाला क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा आपको, यहाँ पे पहला साइड आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम यदि आओगे तो यहाँ पे जमाकर्ता पंजीकरण करना है, ठीक है। एक बार ओटीपी आ जाएगा तो जमाकर्ता लॉगिन करना है। तो पहले जमाकर्ता पंजीकरण में हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट बार आए हैं। तो यहाँ अपना आधार का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट, अंतिम का 4 अंक, और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दे देना है, क्योंकि आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए तभी आप सहारा में क्लेम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको 4 डिजिट और यहाँ मोबाइल नंबर लिख के ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करे पे यहाँ पे आपको ओटीपी दर्ज कर लेना है, और यहाँ पे ओटीपी सत्यापित करे पे क्लिक कर लेना आप लोग, ठीक है। जैसे ही आप ओटीपी सत्यापित कर लोगे, इस तरह का आप लोग का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको छह छह स्टेप में आप लोगों को पूरा फॉर्म फिलअप करना है। सिंपली आप लोग को यहाँ पे आना है, नीचे यहाँ पे देखो नियम और शर्तें हैं, यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे मैं सहमत हूँ पे क्लिक कर लेना आप लोग, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे ये दूसरा स्टेप में आपको फिर इस तरह का आएगा, यहाँ पे अगला का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अगला करना है। इसके बाद अगला करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आधार नंबर दे के यहाँ ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोग को वो ओटीपी लिख के सत्यापित करना है, ठीक है। आपको सिंपली आधार नंबर यहाँ लिखना है। जैसे आप यहाँ आधार नंबर लिख के ओटीपी प्राप्त करो पे लिखोगे, इस तरह का आपका इंटरफेस नजर आ जाएगा। आपको इस तरह का ग्रीन आप लोग का दिख जाएगा, आपके आधार से मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया। आपको वो ओटीपी लिख के आपको यहाँ पे सत्यापित कर देना है, ठीक है। सिंपली देख पा रहे हो आप लोग, जैसे आप ओटीपी टू लिख दोगे, यहाँ पे ओटीपी लिख दोगे, यहाँ पे ओटीपी सत्यापित करे पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ओटीपी सत्यापित करे पे क्लिक कीजिएगा, सिंपली आप लोगों को टोटल दिख जाएगा, विवरण आधार से प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पे आधार से प्राप्त किया गया विवरण है, आपका नाम दिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिया जाएगा, और आपका आधार सीडेट बैंक, आपका इस बैंक में आप लोग का क्या जाएगा, पैसा जाएगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिए, देख पा रहे हो आधार सीडेट बैंक ऑटोमेटिक ये आएगा। यदि आपका दो तीन बैंक रहेगा तो वो भी नहीं ले रहा, एक ही बैंक ऑटोमेटिक ले रहा। तो एक चीज का ध्यान रखें, जो आएगा वो आप लोग का बैंक और मतलब एक्टिव होना चाहिए, ध्यान रखने वाली बात ये है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल दे सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी दोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे आप लोग को क्या कर देना, अगला करना है, पिछला नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आप अगला खोलोगे, आप लोग का तीसरा स्टेप में आप लोग खुल जाओगे दावा विवरण करने वाला ऑप्शन पे। आपको यहाँ पे एक एक चीज, सोसाइटी का नाम, सदस्य संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, यहाँ पासबुक संख्या, यहाँ खाता खोलने की तिथि, जमा योगदान राशि, और यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हो। फाइल का 200 KB से कम होना चाहिए, PDF कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिंपल से एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, समझ लो कि यहाँ पे देखो मैंडेटरी, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैंडेटरी कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा है। हम सिंपली समझ ले कि हम कुछ नहीं देंगे, देखते हैं हम यहाँ पर खाता खोलने की तिथि डालते हैं सिर्फ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डाटा डाल रहे हैं, आप लोग सही डाटा डालना है, ठीक है। यहाँ पे 2018 है, एक एक मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया, जमा योगदान राशि मैं डाल देता हूँ 10,000 रुपया। अब समझ लो कि यही दो चीज़ मेरा, देखो स्टार मार्क के मैंडेटरी है, इसके अलावा देखो यहाँ पे देखो ये भी मैंडेटरी नहीं दिख रहा। हम सिंपली यहाँ पे दावा जोड़ो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप रुको आप लोगों को दिखाते हैं, देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे सिंपली हम दावा जोड़ो पे क्लिक करेंगे। देखो तीन चीज़ मेरा हो रहा है यहाँ पे शो, देख पा रहे हो, मतलब ये तीन चीज़ हमको लिखना ही होगा। देखो कृपया केवल संख्या दर्ज करें, ठीक है। तो हमको देखो कहने का मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये देखो आगे नहीं बढ़ा, तो हमको तीनों चीज़ यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। अब समझ लो कि मैंने ये तीनों चीज़ भर ली, ठीक है, 1, 2, 3। अब समझ, ये मेरा तीन चीज़ में ये लाल दिख रहा था। अब देखो यहाँ पर फिर से हम दावा जोड़ पर क्लिक करना कोशिश करते हैं। देखो ये भी लिखने बोल रहा है, कहने का मतलब हर एक चीज़ लिखना है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको हर एक चीज़ लिखना है, नहीं तो आप लोग आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक चीज़ आप लोगों को दिक्कत हो रहा था, आप लोगों को बताते हैं क्या कहाँ लिखना है, ठीक है। सिंपल सा बात है, पहले हम खाता वाला बताते हैं आपको सिंपली। देखो सिंपली खाता वाला आप लोग जब आओगे तो देख पा रहे हो आप, खाता आप लोग का होगा इस तरह का खाता होगा। आप लोग का यहाँ पे नाम देखेगा, ठीक
ठीक है, तो पहला जो आप लोग का कंपनी का नाम दिख जाएगा क्या है आप लोग का, देखो यहाँ पे इनका देख पा रहे हो आप लोग, रुको देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा उनका खाता का नाम दिख जाएगा कौन सा कंपनी का, सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये जो कंपनी है आपको यहाँ पे लिख देना है, आप लोग को यहाँ पे लिख देना है कंपनी का नाम। इसके बाद है सदस्य संख्या, ठीक है, फिर आप लोग को सदस्य संख्या लिखना है। इसके बाद देख पा रहे हो आप लोग ये खाता में आप लोग देख पा रहे हो उनका मेंबर का आप लोग को नाम देखने को मिल जाएगा इसमें। इनके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग का टोटल डिटेल उनका मिल जाएगा। तो आपको सिंपली कहाँ जाना है, आप लोग को नीचे आ जाना है। कहाँ जाना है आप लोग को, नीचे आ जाना है। सिंपली जब आप नीचे आओगे खाता से तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका अकाउंट नंबर, खाता संख्या। आपको ये खाता संख्या देना है, ये मेंबरशिप नंबर देना है, और आप लोग को अकाउंट ओपनिंग डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको वो देना है। ठीक है, ये देना है आप लोग तीन चीज। अब देखो ये देख पा रहे हो ये पेन से लिखा हुआ, ये पेन से लिखा हुआ, हो सकता है यदि वो पेन से कोई गड़बड़ भी कर दिया होगा या गलत लिख भी दिया होगा, तो आप किस तरह से कन्फर्म करोगे कि मेरा ये जो अकाउंट नंबर है और ये मेंबरशिप नंबर है जो देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, आपको यहाँ जो दिखेगा आप लोग यहाँ देख पा रहे, यहाँ दिख रहा है ना सदस्य मेंबरशिप संख्या, खाता संख्या, यहाँ रसीद संख्या। तो आप ये दो चीज़ जो दिख रहा है अभी, और ये खाता खोलने की स्थिति, आपको किस तरह आप कंफर्म करोगे कि मेरा ये जो है एजेंट सही लिखा है, ऐसे तो 80% 90% के सब सही है बाई चांस का मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ये जो खाता के साथ किसी किसी का मैंने देखा स्लिप भी है, बाई चांस स्लिप नहीं है तो आप वहाँ से लिख सकते हो। तो बाई चांस आप लोगों को ये स्लिप भी खाता के साथ एक जन का रह ही रहा सबका। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस स्लिप पे जब आओगे आपको देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिख जाएगा, देखो अकाउंट नंबर, तो देख पा रहे हो इसका जो छपने में थोड़ा आगे पीछे नीचे हो रहा है या मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा आपको। एक देखो छपने में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, मतलब देखो यहाँ पे इसका सेंटर में नहीं है, ऊपर में छपा है, ये मेंबरशिप नंबर यहाँ है, यहाँ से छपा है, तो देख पा रहे हो छपने में थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखे, आप लोगों को सिंपली देख पा रहे हो आगे पीछे नीचे होगा तो यहाँ से भी आप स्लिप से आके मेल कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आप लोग, अब आप लोग को क्या है एक चीज़ और मांगा जाएगा आप लोग को खाता से जब करोगे आप लोग यहाँ पे, आप लोग को जब खाता से करोगे और एक चीज़ आप लोग को मांगा जाएगा। देख पा रहे हो सब चीज़ तो हो गया मेरा, देखो आप लोग ये बता दिए सदस्य संख्या बता दिए कहाँ मिलेगा, खाता संख्या बता दिए, अब रसीद संख्या और पासबुक नंबर, ये जो है आदमी को बहुत कोई दिक्कत हो रहा है क्या लिखना है। ठीक है, तो अब सिंपली हम जाते हैं रसीद नंबर। यदि आप लोग के पास स्लिप होगा, खाता वाला केस में हम बता रहे हैं, यदि आप लोग के पास स्लिप होगा, इस स्लिप होगा तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे हो रसीद नंबर। ठीक है, ये रसीद नंबर है, देख पा रहे हो आप लोग, ये पूरा नहीं लिखना है, देखो यहाँ पे ये सेंटर वाला लिखना है। इसके अलावा यदि आप बात करें हम यहाँ पे देखो बात करें जाए हम, देखो ये जो ऊपर वाला है ये भी आप लोग का रसीद नंबर है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये नंबर और ये नंबर सेम है, बट यहाँ आप शुरू शुरू में आदमी को क्या डाउट था कि ये इसमें लिखा नहीं है, इसमें लिखा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना है दोनों एक ही नंबर है, तो बड़ा वाला देख के आप लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को खाता वाला चीज समझ में आ गया। अब आप लोगों को क्या चाहिए, पासबुक नंबर, पासबुक नंबर आप लोग को डिटेल्स हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं एक है पासबुक नंबर या सर्टिफिकेट नंबर। तो जब आप खाता वाला केस ले रहे हो, इस खाता वाला सेम है, तो इसमें आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं आप लोगों को दिख मतलब हमको नहीं मिला, तो उस केस में आप लोग खाता नंबर लिखना है, खाता नंबर लिखना है। ठीक है, खाता नंबर लिखना है, आपको खाता नंबर कहाँ मिलेगा देख पा रहे हो, जब अपना खाता में आओगे आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, पासबुक नंबर, ये आप पासबुक नंबर आपको देना है। अब बहुत कोई क्या डाउट कर रहा है पासबुक नंबर में भी, क्या डाउट कर रहा है बहुत जन, पासबुक नंबर लिख रहा है ये दो ये चार को लिख दे रहा है 2640, नहीं तो बहुत कोई डाउट क्या और क्या कर रहा है, नहीं तो आप लोगों को क्या कर रहा है ये आधा लिख ऊपर वाला छोड़ दे ये लिख रहा है, मतलब कभी कोई कोई ये लिख रहा है, कोई कोई ये लिख रहा है, तो आपको वो गलती नहीं करना, आपको पासबुक नंबर ये पूरा है, ये आपको पूरा लिखना है, एक चीज़ का ध्यान रखें तभी आप लोग का गलत नहीं करना आप लोग। ठीक, पूरा लिख देना है, यदि आप लिख भी दिए होंगे तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को लिखना है पूरा। ठीक है, आप सिंपली यदि आप लोग गलत भी लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को लिखना है पूरा सही, आप लोग को ये जो सदस्य संख्या और खाता संख्या आप लोगों को दो चीज़ तो हमेशा सही देना है। ठीक है, बहुत कोई गलत भर रहा है दो चीज़, ये दो चीज़ खाता खोलने की तिथि और पैसा जो है आप लोग को सही चीज़ आप लोग को भरना है, और आप लोग को यहाँ पे जो है आप लोग जो कंपनी है सारे सारा क्रेडिट है, सारा क्रेडिट आप लोग को सही भरना है जो आप लोग कंपनी है। सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से करना खाता वाला। अब आप लोग को बॉन्ड वाला केस बताते हैं। ठीक है, अब इस तरह का आप लोगों का यदि बॉन्ड रहेगा तो आपको किस तरह से आप लोगों को बनना है, देखो मैंने सिक्योरिटी पर्पज से सब चीज़ हाइड करके रखे हैं, तो आप लोगों को सिंपली लिखना है। सिंपली आप लोग को यहाँ पे यदि मेंबरशिप नंबर की बात करें, मेंबरशिप नंबर की यदि बात करें, नहीं दिख रहा, काम नहीं कर रहा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखो। ठीक है, इसमें काम नहीं कर रहा, देख पा रहे हो आप लोग, एक चीज ध्यान आप लोगों को देना। ठीक है,
आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, पहले आपको बताते हैं मेंबरशिप नंबर, ठीक है। पहला आप लोग को क्या मिलेगा, आप लोग को कंपनी मिलेगा, पहला आप लोग को कंपनी मिलेगा, दूसरा मिलेगा आप लोग को मेंबरशिप नंबर। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग मेंबरशिप नंबर आप लोग देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग को देख जाएगा मेंबरशिप नंबर आपको। दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, ये जो बॉन्ड पे सब चीज़ डिटेल में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोग का मेंबरशिप नंबर हो गया, यहाँ पे आप लोग का मेंबरशिप नंबर आप लिख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद आप लोग को क्या मिल जाएगा बॉन्ड में, आप लोग को इधर आप लोग खाता संख्या मिल जाएगा। तो आपको खाता संख्या में क्या लिखना है, आपको ये अकाउंट नंबर लिखना है, ये देख पा रहे हैं अकाउंट नंबर, खाता संख्या में लिखना है ये अकाउंट नंबर, ठीक है। इसके बाद आप लोग को देखने मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर, पासबुक नंबर या सर्टिफिकेट नंबर। तो आपको सर्टिफिकेट नंबर ये वाला लिखना, ऊपर वाला लिखना, ये वाला और ये वाला सेम रहता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ सर्टिफिकेट नंबर, ये भी लिख सकते हो और ये लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ रहता है, ध्यान रखना है, ये लिख सकते हो। और आप लोगों को तीसरा मिल जाएगा, आप लोगों का क्या मिल जाएगा, खाता खोलने की तिथि। तो आप लोग खाता खोलने की तिथि क्या करना है, ये वाला लिखना, ऑन डेट इतना लिखना है खाता खोलने की तिथि। कोई कोई क्या गलती कर रहा है, मैच्योरिटी डेट दे देना, तो मैच्योरिटी डेट आप लोगों को नहीं देना, आप लोग खाता खोलने की तिथि ये वाला देना है, ठीक है। सिंपली आप लोग दे दोगे और इसके बाद आप लोग का जितना पैसा जमा था वो देना है आपको, मैच्योरिटी अमाउंट नहीं देना। यहाँ पे आप लोग को ऊपर वाला सेक्शन आप लोग को मिलेगा, वो दे देना आप लोग को, ठीक है। वो ऊपर वाला अमाउंट जो है वो देना है आप लोग को, मैच्योरिटी अमाउंट नहीं देना, ये दो चीज़ का ध्यान रखना है आप लोग को। इसके आप लोग खाता खोलने का तिथि, इसका जमा जो कितना पैसा आप लोग को जमा, इतना पैसा है, तो एक चीज़ आप लोग को ये बॉन्ड में मिल जाएगा। इस तरह का बॉन्ड होगा आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पर कंपनी दिखने को मिल जाएगा, हमारा इंडिया कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। आप लोगों को सिंपली इतना चीज़ आप लोग को भर दोगे आप लोग का, इसके बाद आके करना है। अब देखो एक मैंने बहुत ही डिफिकल्ट बॉन्ड देखा, ठीक है, जिसमें बहुत कोई को डाउट है। आप लोग को मेरे पास वो एग्जांपल नहीं है, बट आप लोग को मुंह से मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनना है। किसी किसी का बॉन्ड, एक जन का बॉन्ड देखे, यहाँ पे ये पैसा नहीं लिखा हुआ, कितना पैसा वो जमा किया है, कितना पैसा। देखो इस तरह का यदि आप लोग केस यदि नजर आए कि आप लोग का पैसा लिखा नहीं है कितना, देखो दो पैसा लिखा होना चाहिए यहाँ पे, एक पैसा यहाँ, एक जमा पैसा, एक मेच्योरिटी अमाउंट। यदि आपका केस में जमा पैसा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मेच्योरिटी पैसा लिखा हुआ है, तो आपको वो नहीं करना है। आपको सिंपली पहले जाना है एजेंट के पास, आपका जो एजेंट है वो लोग को जाके पूछना कि मेरा अमाउंट कितना जमा है, वही बता पाएगा आपको। उस केस में आप लोग को यदि आप लोग का अमाउंट जमा अमाउंट नहीं दिख रहा है, तो आपको सहारा वाला पोर्टल में क्या क्लेम नहीं करना है। जब आप एजेंट से पूछ लेना है आपको कितना डालना है, उसके बाद ही आप लोग जाके अप्लाई करो क्लेम, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज़ डिटेल समझ में आ गया होगा। कोई फिर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो। सिंपली इसके बाद आपको आ जाना है, एक एक चीज़ आप लोग मेंबरशिप नंबर, खाता संख्या, पासबुक संख्या, इस तरह से आप लोग भर दोगे खाता खोलने की तिथि। और यहाँ पर यदि आप लोग का खाता का जो है, आप लोग दो चीज़, आप लोग खाता हो या बॉन्ड हो, ठीक है, यदि बॉन्ड होगा तो ये वाला, और इसके साथ स्लिप का पीडीएफ करके आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और यदि खाता होगा तो आप लोग सिंपली ये दो चीज़ आप लोग कर दोगे, दो या तीन चीज़, इस तरह से 200 के भी से कम होना चाहिए। ये छोटा वाला भी डाल दोगे आप लोग तीन चीज़, और यहाँ पे आप लोग अपलोड फाइल में आके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपलोड फाइल में दावा वाले जो ऑप्शन पे आओगे, सॉरी ये दावा जो जुट गया, आप लोग यहाँ अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। इसे हम बताते हैं, जिससे आप लोग दो समझ लो, ये पहला मैंने जोड़ दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे अब हम डोलते हैं, यहाँ फिर से और एक ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ खाता खोलने की तिथि आप लोग को डाल लेना है, देखो यहाँ पे डाल देना है। अब देखो यहाँ पे जमा प्रमाण पत्र अपलोड, यहाँ अपलोड करेगा आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ डाउट क्या हो रहा है आप लोग को हम बताते हैं। जब आप यहाँ पे जाओगे आप लोग, यहाँ पे समझ लो कि मैंने ये पीडीएफ सेलेक्ट किया, ठीक है, समझ लो। इस तरह से आपको फिर भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको फिर भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। सिंपली इसके बाद आप लोग दावा जोड़ों पर सेलेक्ट करोगे। अब देखो हम ये अमाउंट देखो, डेट देखो क्या दिए, 1/2/2018 दिए, और इसमें देखो 1/1/2018 दिए। अब सिंपली हम यहाँ पे दावा जोड़ों पर क्लिक करेंगे, आपका जितना भी बॉन्ड होगा इस तरह से आप लोग दावा जोड़ सकते हो। सिंपली दावा जोड़, अब जब हम एडिट वाला ऑप्शन पर जाएंगे, देखो अभी जो 1/2 देखो ये वाला जोड़ है अभी 1/2/2018। अब सिंपली जैसे ही हम एडिट वाला ऑप्शन पर जाएंगे तो देख पा रहे हो जो मैंने पीडीएफ अपलोड किए वहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो कहने का मतलब कैसे हम लोग को पता चलेगा वो पीडीएफ अपलोड हो रहा कि नहीं हो रहा, ये बहुत कोई डाउट है। तो मैंने बहुत कोई को पूछा, जैसे नहीं भी कर रहा तो आपको अपलोड करना है, वो साइट का वो लोग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग यदि सही से काम करना चाहते हो तो कोई कोई क्या कर रहा, बिना ही के आप लोग का अपलोड कर दे रहा, इस तरह का दावा जोड़ दे रहा, लेकिन आप लोग देखो दिख नहीं रहा, ये वो लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग चूज फाइल करके एक बार दावा जरूर जोड़े, ठीक है। एक चीज़ का कोशिश करें यहाँ जरूर दे, क्योंकि जितना सही डाटा आप लोग करोगे उतना आप लोग का सही रहेगा, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। तो वो लोग का गलती है, आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग अपलोड करके, इसका अपलोड हो ना हो आप लोग को अपलोड करके फाइल को दावा जोड़ देना, ठीक है, सिंपली, क्योंकि ये दिख नहीं रहा। देखो अब जैसे ये वाला तो किए, अब जैसे जो पीडीएफ अपलोड किए यहाँ पर ये फाइल नेम शो करना चाहिए लेकिन नहीं शो कर रहा, तो एक चीज़ का ध्यान आप लोग को ये ध्यान भी रखना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सब डिटेल समझ में आ गया होगा। अब सिंपली जब आप लोग टोटल जितना भी दावा होगा, आप जितना भी आप लोग का बॉन्ड है एक साथ में जोड़ लें, क्योंकि बाद में आप लोग जब बोलोगे कि हम कर लेंगे इसके दावा संख्या जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग मतलब ऐड नहीं कर सकते। तो जितना भी दावा है एक ही बार में इस तरह से 5, 6, 7 इस तरह से ऐड कर सकते हो। सिंपली ऐड करने के बाद आपको इस तरह का अगला ऑप्शन दिख जाएगा, आपको अगला क्लिक कर लेना। जैसे अगला क्लिक करोगे इस तरह का आप लोग दावा अनुरोध पर जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो देख पा रहे हो ऑप्शन, तो आप लोग प्रिंट कर लेना, देखो ये ऑप्शन तो आप लोग प्रिंट कर लेना है, इसको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आप लोग को क्या करना है, उसको अपलोड कर देना, अगले स्टेप में अपलोड करना। अपलोड करने से पहले भी दो चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यहाँ नाम हम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग को फोटो लगाना, देखो ध्यान से सेलेक्ट, ध्यान से आप लोग सुनना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अपना फोटो लगाना है और फोटो पे क्रॉस साइन करा लेना है इस तरह से, ठीक है, मतलब
देखो फोटो पे इस तरह से आपको क्रॉस साइन करा लेना, फेस पे नहीं लगाना, समझ लो इतना दूर आपका फेस है तो नीचे आप लोग को इस तरह से क्रॉस साइन करा लेना है, ठीक है, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को मिलेगा बैंक नेम का, आपको यहाँ बैंक नेम लिख देना है, यहाँ पर अपना जो बैंक दिखा, जैसे मेरे केस में बैंक ऑफ इंडिया दिखा, तो बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हो, एसबीआई होगा तो सिंपली एसबीआई शॉर्टकट में लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का, ठीक है। इसके बाद आप लोग को सिंपली नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद आपको देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे जिनका है उनका आप लोग का सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है, ये फाका पोर्शन पे कर लोगे, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर प्लेस लिख दोगे, यहाँ पे आप लोग का मोबाइल नंबर लिख सकते हो, यदि आप लोग का 3 पेज में हो जाए तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नंबर भी नहीं लिखोगे, लेकिन आपको ये साइन वाला ऑप्शन ठुक करना ही है, साइन वाला कर दोगे यदि 3रा पेज में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको साइन ठुक करना ही है, ठीक है, साइन ठुक कर देना है। और एक चीज़ आप लोग हम बताने भूल गए, वो चीज़ तो ध्यान रखना आप लोग को, आपको एक चीज़ देना जब आप वहाँ पे, अच्छा बता तो दिए आप लोग, यहाँ पर क्रॉस साइन आप लोग करना ही है, ठीक है, क्रॉस साइन आप लोग कर लेना, ठीक है, ऐसे नहीं किए होंगे ऐसे अपलोड कर दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों का जो नियम है यहाँ पर देख रहे साइन अक्रॉस द फोटो, आप लोग क्रॉस साइन भी करना है, ठीक है। एक एक चीज़ आप लोग समझ में आ गया, जब आप ये प्रिंट करके साइन करके या एक दिन बाद या घर से कर कुछ भी करके आप लोग एक एक चीज़ डिटेल इसको क्या पीडीएफ में कर लेना है, जितना भी आप लोग का जो 3 फाइल होगा तो तीनों को पीडीएफ में 200 KB से कम रख लेना है आप लोग को। लेकिन आप सिंपली दावा अनुरोध पर्पज जनरेट करके ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप लोग, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पे अगला का ऑप्शन दिख जाएगा, देख पा रहे हो आप लोग, फॉर्म डाउनलोड नहीं किए होंगे तो आप लोग यहाँ प्रिंट से या सेव करके रख लेना, बाद में आप लोग भर के इसके बाद स्कैन कर लोगे, फिर अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग को देखो दावा पर जनरेट देखने को मिल जाएगा आप लोग को, देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग को पीडीएफ टू अपलोड कर लेना है, कौन पीडीएफ टू दावा पर यहाँ पे ई दिख जाएगा आप लोग को, यहाँ पे यदि 50,000 से ज़्यादा अमाउंट होगा तो आपको पैन कार्ड भी देना होगा, तो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पैन नंबर भी दर्ज कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस तरह से अपना पेन नंबर लिख दोगे, जिस एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे देख रहे अपलोड ले रहे हैं, आपको सिंपली अपलोड वाले फाइल पे क्लिक करिए, यहाँ पर सही पेन कार्ड नंबर मांग रहा है, ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे पेन कार्ड नंबर लिख लेंगे, ठीक है, सिंपली हम यहाँ पेन नंबर लिखने के बाद यहाँ दोनों पीडीएफ अपलोड कर दिए, ठीक है, यहाँ से देखो पा रहे हो पहले ये प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं दे, देखो यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है, जो पीडीएफ आप अपलोड किए यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, आपको सिंपली आप पेन नंबर जब आप लिख दोगे आपको सिंपली एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड करें, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड करें हुए ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, जैसे अपलोड करें पे लिखोगे आप लोग, ठीक है, जैसे अपलोड करें पे आप लिखोगे, अपलोड करें पे लिखोगे इस तरह का आपका लिखना लिखा उठना चाहिए, दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड हो गया, अगले चरण के लिए आगे जाए, तब आप लोग को अगला चरण पे जाना, कोई कोई क्या कर रहा है यहाँ पे अपलोड ये वाला हरा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, अगला पे चल जा रहा है और उनका दावा जनरेट हो जा रहा है, तो आपको वो गलती नहीं करना, फिर आप लोग एडिट नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग, तो आप लोग ये अपलोड करें इस तरह का हरा ऑप्शन दिखेगा तभी अगला ऑप्शन क्लिक करें, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली आप अगला ऑप्शन क्लिक करोगे आपका दावा जनरेट हो जाएगा, या जो दावा जनरेट होगा आपको दावा जनरेट स्लिप को रख लेना है अपने पास, इस तरह से आप लोग को स्लिप मिलेगा आपको, देखो इस तरह का आप लोग स्लिप मिलेगा, यहीं पर आपको दावा संख्या मिल जाएगा, आपको सिंपली अगला स्टेप में जाओगे हो जाएगा, कुछ आपको बताने इसके बाद आप लोगों को 45 दिन के अंदर कुछ वो लोग सूचित करेगा या वेबसाइट के माध्यम से, बस उम्मीद करते हैं आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आ गया, आप लोग कुछ नहीं करना, आप अगला ऑप्शन करोगे ऑटोमेटिक आप लोग दावा जनरेट हो जाएगा, आपको उसको प्रिंट करके या उसको मोबाइल में फोटो खींच के या कहीं से भी उसको अच्छे से रख लेना, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को एक एक डिटेल समझ में आ गया होगा, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।